वेलकम टू द वीलॉग विद गुल बुखारी। बहुत खुश आमदीद और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं शुरू वहाँ से करूँगी कि आज मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसका प्रोड्यूसर साहब आपको उसका रेलिवेंट हिस्सा जो उसका लास्ट हाफ है वो दिखाएंगे और साथ लिंक भी दे देंगे। उसमें मैंने कहानी सुनाई है कि 9 मई था क्या दरअसल। देखिए, जब इमरान खान की हुकूमत चली गई तो उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया कि आर्मी किसी भी तरीके से दोबारा उनको सपोर्ट करके वापस इक्तदार में ले आए। अच्छा, उन्होंने शुरू किया गालियों से, मसलन जानवर कहना, फिर वो आ गए दूसरे, उन्होंने इस्लाम का इस्तेमाल किया और अमर बिल मारूफ का किया, फिर चौकीदार का कहा कि जी आदमी अपना काम नहीं कर रहा क्योंकि ये तो चौकीदार है हक, और फिर उन्होंने कहा हक और बातिल की लड़ाई में तो आपको अल्लाह इजाज़त नहीं देता न्यूट्रल होने की, तो इस्लाम का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने जी क्या कहते हैं धमकियाँ लगाई कि मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा। फिर उन्होंने गालियों के अलावा उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि मेरे कत्ल का इरादा है वो नए चीफ पर लगाए, पुराने वाले के साथ उनके। फिर उन्होंने एक चीज़ और की, मिन्नतों को हरबा बनाया, बाजवा साहब की मिन्नतें की, दो मुलाकातें की, लेकिन बाजवा साहब की तरफ से जवाब था। फिर जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने की कोशिश की, सब कुछ मतलब बहुत हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन हुआ ये कि जो उनके हरबे थे ना वो बद से बदतरीन होते चले गए, और जब हर हरबे ने काम करना छोड़ दिया तो उन्होंने प्लान बनाया कि मैं ये अब इनकलाब ले आऊँगा, जो फ़ौज है उसके अंदर बगावत करवाऊँगा, जब बगावत हो जाएगी तो आसिम मुनीर साहब जो हैं वो साइड पे कर दिए जाएंगे और फिर उनका कोर्ट मार्शल करूँगा और मैं एम्परर और बादशाह और शहनशाह आली बन के आ जाऊँगा। लेकिन आपने के जो बाकी तरीके थे वो तो फ़ौज को अनॉय कर ही रहे थे, लेकिन जब आप इस बात पे आ गए कि आपने फ़ौज के अंदर से बगावत करनी, और आपके सहूलतकार जो थे उसमें सहूलतकार देखें एक इदारा नहीं था अदलिया का, अदलिया में सहूलतकार बैठे थे, आपके सहूलतकार मुख्तलिफ इदारों में बैठे थे, मीडिया में भी बैठे हुए थे, उसके अलावा आपके नैब में सहूलतकार बैठे हुए थे जो आपको जब आप हिरासत में थे तो आपको हेल्प कर रहे थे, फ़ोन्स प्रोवाइड कर रहे थे वगैरह वगैरह। अब मसला ये हुआ कि ये आपका प्लान ए था, लेकिन आपका प्लान ए जो था वो आखिर इस मुल्क में तकरीबन 22-23 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आप आम लोग 2-3 का नाम जानते हैं, तो ये आपके प्लान का, इमरान खान के प्लान का आर्मी चीफ को और पूरी टॉप ब्रास को पता था। किया उन्होंने ये कि बजाय के उसको अंग्रेज़ी में लफ्ज़ है फॉइल, यानी आपके प्लान को फॉइल करने की बजाय, यानी आपके प्लान को भस्म करने की बजाय उन्होंने आपको ट्रैप किया, और 9 मई का वक्त उन्होंने चुना क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान ख़ुद तो गिरफ़्तार हो नहीं सकते थे, गिरफ़्तार तो रेंजर्स ने किया था। तो ये बात आप जहन में अच्छी तरह रखिए कि ये दिन इमरान खान का चुना हुआ नहीं था, बात ये थी कि इमरान खान ने प्लान ये बनाया हुआ था कि जिस दिन भी मुझे करेंगे गिरफ़्तार तो जो इनके फ़ौज के अंदर सहूलतकार थे, जो इनके अदलिया के अंदर, वो सब जो हैं अपना अपना रोल अदा करेंगे और जो वर्कर्स हैं वो अपना रोल अदा करेंगे। जी इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट निकले फौजी, अब इनकी इनकी ज़हानत का आप अंदाज़ा लगाएं। तो फौजियों ने प्लान फॉइल करने की बजाय एक खिड़की तैयार की कि ये उस खिड़की में आएंगे। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात यह है कि आप इस बात को समझें कि वो खिड़की जो थी वो सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं थी, वो फ़ौज के अंदर जो सहूलतकार थे उनके लिए भी थी, जो अदलिया के अंदर सहूलतकार थे उनके लिए भी थी, और जो जहाँ जहाँ बैठा हुआ था, जो वर्कर था वगैरह, वो सब के लिए खिड़की थी, क्योंकि फ़ौज ने एक ऐसा भयानक चीज़ पैदा की थी जो जान लेवा हो चुकी थी, जान छोड़ नहीं रही थी। तो जनाब बाकी फिर आप जानते हैं कि फिर उस खिड़की में इमरान खान समेत सारे फंसे,
और आपने देखी उस दिन की मंडे पीर का दिन था, DGISPR की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उन्होंने अपने अफसरान, सीनियर तरीन अफसरान और फिर दूसरे अफसरान की बेगमात, किसी की नवासी, किसी की, किसी का दामाद, किसी की बीवियां, दो दो बीवियां भी जर्नैलों की, वो सब खिड़की के अंदर फंस चुके हैं। तो जनाब मसला ये हुआ कि वो, मैं देख रही थी एक्चुअली नया दौर, रज़ा रूमी साहब और मुर्तज़ा सोलंकी साहब का प्रोग्राम, और उसमें जो उनके मेहमान थे उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की और मैं कोई ऐप नहीं समझती कि उनकी बातें दोहराऊं और आपको सुनाऊं, बल्कि मैं रूमी साहब से अभी कह ही रही थी कि मैं आप लोगों को कोट करूंगी। तो लेकिन उसमें जाने से पहले जब ये बात मैंने अपने चंद दोस्तों के सामने की जो अभी आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया खिड़की वाला, तो मेरे एक दोस्त कहने लगे, गुल आपका मतलब है कि फौज का जो प्लान था वो ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट था, ज़्यादा अच्छा था, यानी वो इतने अकलमंद हैं। तो मेरे जवाब से पहले जो दूसरे दोस्त उस साइड पे बैठे थे कहने लगे, नहीं मैं बताता हूँ, इमरान गधा है, गधा। तो मैंने फिर उनको एंडोर्स किया कि असल में जो कुछ हो रहा था और हम सब ये बातें कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो अपने आप को दलदल में फंसाते जा रहे हैं, एक ट्रैप में आ रहे हैं, लेकिन जो गधा था उसको नहीं दिखाई दे रहा था, वो उसको जितनी डिससर्विस अदलिया ने की है। इस मेरे मज़मून में एक मैंने बहुत और भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है आगे जाने से पहले, वो ये कि जी 9 मई सिर्फ ये खिड़की नहीं थी कि जो जो उनके ख़िलाफ़ जहन साजी कर रहे हैं, नफ़रत अवाम में फैला रहे हैं, फ़ौज के अंदर बगावत करा रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए नहीं था। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि फ़ौज फ्रस्ट्रेट हो रही थी, और देखिए आप फ़ौज का गुस्सा और गमो गुस्सा जिसे वो कहते हैं, वो इमेजिन करें कि एक बंदा गालियां दे रहा है उसको कोई कुछ नहीं कहता, एक बंदा कह रहा है कि मैं पता नहीं F9 पार्क तक रहूँगा और वो आके धावा बोल देता है, अपने रेड जोन के ऊपर बोलने की कोशिश करता है, जलाओ घिराओ ये वो, तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं शायद उनको हमारा पैगाम ना पहुँचा। अब और वो गालियाँ साफ और सीधी फौज को दे रहा था, और चाहे कत्ल का इल्ज़ाम है, चाहे साजिश का इल्ज़ाम है कि पहले कहा अमेरिका ने करवाई, और जो यहाँ मीर जाफर बैठे हुए हैं गद्दार, वो भाजपा को उस वक्त गद्दार कह रहे थे, यानी वो ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे, और किसी भी चीज़ के ऊपर अदलिया कोई एक्शन नहीं ले रही थी। अच्छा फिर जनाब वो यानी उन्होंने जब ब्रीच किया कोर्ट ऑर्डर तो आगे से कह दिया शायद उनको पता नहीं था। अब ये बातें फ़ौज के अंदर बहुत गुस्सा दिला रही थी, और जो अफसरान और जवान थे वो अपने बड़ों से सवाल करते थे कि ये क्या हो रहा है हमारे खिलाफ। उसके अलावा फिर क्या हुआ जी, अदलिया ने इनको मज़ीद फंसाया, पुलिस इनका एक वारंट लेकर गई थी। अब वारंट लेके अगर मेरे पास आ जाए तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, गो मैंने जुर्म ना किया हो, लेकिन अगर पुलिस के पास वारंट है तो मुझे गिरफ्तारी तो देनी देनी है। नहीं जी, इन्होंने तो उठा के पत्थर, गुलेल, पेट्रोल बम, उसके ऊपर भी इनको छूट मिल गई फौरन बेल लाडले साहब को। अब बाकी दुनिया को तो छोड़ दें, जो फौज के अंदर गुस्सा बढ़ता चला गया और फिर उनको ये प्लान पता चला, तो इसमें जो जहाँ तक ये चले गए ना, तो इनको जिस दलदल और बिल्कुल फाइनल जगह जिसने पहुंचाया है वो फेवर कर करके पहुंचाया। और फौज ने ये 9 मई इसलिए भी होने दिया कि जब ये जराइम एन फौज के तनसीबात पे करेंगे, फौजियों पे अटैक करेंगे, तो फिर ज्यूरिसडिक्शन जो है सिविलियंस की में से हम यूं करके निकालेंगे और अपनी ज्यूरिसडिक्शन में ले आएंगे, क्योंकि हमला फौज के ऊपर हुआ है और बगावत फौज के अगेंस्ट हुई है। तो वहाँ और लेकिन अब अफसोस इस बात का है कि उस दिन भी जब DGISPR से ये सवालात हो रहे थे, एक पर्टिकुलर सवाल था जिसका वो क्लियरली जवाब या दे पा नहीं रहे थे या देना चाहते नहीं थे।
बात यह है कि मिलिट्री ट्रायल्स को जो इंसानी हकूक के हैं सपोर्टर्स, वो ज़ाहिर है क्रिटिसाइज कर रहे हैं. फौज जो है वो ये कहना नहीं चाह रही कि ये एक्चुअली अटेम्प्टेड कू था और फौज के अगेंस्ट बगावत थी, और जब फौज के अंदर से बगावत होती है तो उस पर मिलिट्री लॉ, मिलिट्री कोर्ट, कोर्ट मार्शल ही होता है. तो ये एक दफ़ा फौज वाजे कर दे तो उसका स्टांस कदरे स्ट्रॉन्गर हो जाता है. अच्छा, अब मैंने आपको बता दी दोस्तों वाली बात. उसके बाद अब मैं आऊँगी रज़ा रूमी साहब और मुर्तज़ा सोलंगी साहब के प्रोग्राम में, जिसमें उनके मेहमानों ने बड़ी मज़े की बातें की. फौजिया यज़दानी कहती हैं कि देखें, हमारे फौजी सरबरा कहते हैं कि जो हो गया कामयाब वो होता है इनकलाब, और जो हो जाता है नाकाम वो होती है बगावत. तो अब ये तो नाकाम हो गया था, ये थी बगावत. बगावत को आपने जड़ से उखाड़ना है. तो फौजी साहिबा कहती हैं कि अगर जड़ से उखाड़ना है तो सर खुरा तोड़े घर है. ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की उन्होंने. और फिर थ्रू आउट इस शो में वो बातें उन्होंने सब की सब याद दहानी कराई कि कितने प्रोजेक्ट किए, मतलब अल्ताफ़ हुसैन का प्रोजेक्ट, वेंटोर आए, तालिबान का प्रोजेक्ट, सवात में ऑपरेशंस जिनमें बेचारे अवाम मारे गए क्योंकि ये अब अपने प्रोजेक्ट को भस्म ख़त्म करना चाहते थे क्योंकि वो वापस इनके गले पड़ गया था. फौजियों की गर्दनें काट के उनके सरों से फुटबॉल खेला जाता था. हर प्रोजेक्ट बद से बदतरीन होता चला गया. और जिस तरह से तालिबान ने GHQ पे हमला किया था, तो अब जो आपने ये फिफ्थ जनरेशन वॉर से जो प्रोजेक्ट तैयार किया था, उसने भी आपके घर के अंदर घुसकर आपको मारा. और अब आप जो हैं वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं. इस सारे किस्से में उनके एक मेहमान थे जिनका नाम था सज्जाद अनवर साहब. उन्होंने इंतहाई दिलचस्प किस्सा सुनाया और उन्होंने कहा कि 96 या 97 का किस्सा है, जब तालिबान की हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान उसको फुल सपोर्ट कर रहा था. तो कोई तकरीब थी और वहाँ पे उस तकरीब में हमीद गुल साहब मौजूद थे या कोई बात कर रहे थे. तो लोगों ने उनसे कहा, ये जो आसमा जहांगीर साहिबा हैं ये बड़ी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करती हैं. तो उन्होंने कहा, हमीद गुल साहब ने, कि ये जो तालिबान है ना मेरे, इनमें से मैं दो लड़के उस औरत के पीछे लगा दूँ तो वो दुड़की लगा के दिल्ली पहुँच जाएगी. अच्छा, इसके ऊपर सज्जाद अनवर साहब ने उनसे थोड़ी सी बात की कि आप कैसी बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह. बहरहाल साल गुजर गए. फिर मुशर्रफ के दौर में GHQ के ऊपर तालिबान ने हमला किया. उस हमले के बाद लाहौर PC में किसी टाइम पे कोई, हाँ, ये जो तंजीमें खड़ी करती है आपकी इस्टेब्लिशमेंट, तो उस वक़्त कोई वो नाम बता रहे हैं कि उस तंजीम का नाम था तंजीम इस्तेहकाम पाकिस्तान, जो फिर पाक फ़ौज के नारे लगाती है. तो उस तंजीम का कोई तकरीब थी लाहौर PC होटल में, जिसके लिए गुल हमीद साहब सारा रास्ता इस्लामाबाद से गए उससे खिताब करने के लिए, और वहाँ लॉबी में यही सज्जाद अनवर साहब उनको टक्कर गए. अच्छा, और जब वो टक्कर गए उनको, तो उनसे कहते हैं, सर वो दो लड़के जो आपने आसमा जहांगीर के पीछे लगाने थे वो तो GHQ पहुंच गए, सर ये क्या प्रॉब्लम हो गई. इसके ऊपर बहरहाल वो गुस्सा खा गए. लेकिन ये जो वाकया है वो उन्होंने इसलिए सुनाया और फिर और बहुत से फ़ौज के प्रोजेक्ट्स सुनाए कि जो कि हमेशा उसका फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर बनते हैं. तो इल्तजा रूमी साहब ये कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट्स करने छोड़ दीजिए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है. उन्होंने और एक बड़ी मज़े की बात की जो सज्जाद अनवर साहब हैं, वो कहते हैं, देखें सारी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो ये काम करती हैं. अच्छा, 15 मिनट हो गए हैं, मैं इसको जल्दी से रैप करती हूँ. वो कहते हैं सारी दुनिया में होती है प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज, लेकिन उनकी अगर आप कॉम्पोजिशन चेक करें तो वो पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है. अच्छा,
अब ISI में तो फौजी सरबराह होता है, चाहे सिविलियंस भी हों, लेकिन उन्होंने अजीत डोभाल का एग्जाम्पल दिया, जो इंडियन RANW के हेड रहे हैं, वो एक पुलिस ऑफिसर थे। फिर मुर्तजा सोलंकी ने कहा एक उसी इदारे के सरबराह पोस्ट ऑफिस से ताल्लुक रखते थे। फिर दोबारा सजाद साहब ने कहा कि जो अमेरिका में हैं CIA, उसमें एकेडमिक्स आते हैं, और लेकिन यहाँ मसला ये है कि ये 3 साल का प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि आर्मी किसी किसी को 6 साल मिल जाते हैं आर्मी चीफ को, DGISI का भी एक डेढ़ साल का होता है। और फिर उन्होंने कहा कि PTI को सैंपल लें, ये वो लोग हैं जिनको जिनकी तारीख शायद 2000 से शुरू होती है, ये पैदा 2000 में हुए या 1995, 96, 97, इन्होंने बात ही एक सुनी है, करप्ट 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 करप्ट। अब अगर कोई और सच बोल भी रहा हो तो कहते हैं ये मेकअप लगा के बैठी हुई है, दूसरा सच बोल रहा हो तो देखो इसका बाप कैसा है, करप्ट करप्ट करप्ट। देखें, उनका पॉइंट सजाद साहब का ये था कि ना आप सही प्रोजेक्ट बनाते हैं, ना आप उसको ढंग से वाइंड डाउन या फिनिश कर सकते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि CIA को भी कॉपी ना करें, RANW को भी ना करें। हाँ, अगर आपने प्रीमियर, आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको वाकईतन मुल्क की सरहदों की हिफाजत पे लगाएं, मतलब फिजिकल नहीं, इंटेलिजेंस वाइज ऑब्वियसली, लेकिन जो बाकी काम है कि यहाँ पॉलिटी कैसी होगी, आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज मत सेट करने की कोशिश करें, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मत करने की कोशिश करें, क्योंकि इन कामों ने पाकिस्तान को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है, और जो अगली पौध है, जो सिर्फ करप्ट के अलावा कि उसको कोई लफ्ज़ नहीं समझ में आता, जो हिस्ट्री पढ़ नहीं सकती, जो अखबार जाली और असली, क्रेडिबल और नॉन क्रेडिबल के दरमियान तफरीक नहीं कर सकती, क्योंकि आपने उसको सिखाया ये है कि जो चीज़ फलां कह दे वो दुरुस्त है, खुद तहकीक नहीं करनी। बहरहाल, आज ईद के दिन मेरा ख्याल है लाइट होना चाहिए था, लेकिन शायद मैं कर नहीं पाई, लेकिन एक बार फिर ईद मुबारक, और ख़त्म इसको मैं यहाँ करूँगी कि एक बात आपको ये बताई कि 9 मई में किड़की किस किस के लिए लगाई गई थी, और किस तरी और गुस्सा सिर्फ PTI और उसके दूसरे आम वर्करों पे नहीं था, जुडिशरी पे था। जुडिशरी के जूरिसडिक्शन में से निकाल कर अपनी जूरिसडिक्शन में ले आए बड़ी प्लानिंग के साथ। और बाकी बातें वो जो रज़ा रूमी के प्रोग्राम से हैं कि आज आपका ख्याल है कि आपने सफाई कर ली है, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि वो सफाई कोई दिमागों की नहीं हुई, आपने चंद 100 लोग पकड़ लिए हैं। आज मेरी अपनी ही एक रिश्तेदार मुझसे कह रही थी कि आपने फ़ौज के खिलाफ कोई बातें नहीं करनी। मैंने वैसे उनसे कहा कि मैंने फ़ौज के खिलाफ कभी भी कोई बात नहीं की, पर से आमाल होते हैं जिनको आप क्रिटिसाइज़ करते हैं। आज भी मैं एक किस्म का वही बात कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, जो मैं बात कहना चाह रही थी वो ये बता रही थी कि मुझे फ़ोन आता है, मेरी रिश्तेदार बता रही थी, फ़ोन आता है और उनके आगे दोस्त और रिश्तेदार काफ़ी PTI टाइप होंगे, तो वो गालियाँ दे रहे होते हैं फ़ौज को, तो कहती हूँ मैं आगे से फ़ोन बंद कर देती हूँ, फ़ौज में इतनी सख्ती है, इतनी सेंसिटिविटी है, गुल आपने भी बात नहीं करनी। मैंने कहा जी मैं तो इस तरह से गालियाँ नहीं देती। बहरहाल, वो लोगों को समझाती फिर रही हैं, और उनके अपने इर्द गिर्द के लोग आके बताते हैं, जो यूथिये हैं अंदर से, वो अब फौज के खिलाफ बात नहीं कर रहे, पर जहन वही है। तो जो जहन साजी आप लोग कर गए हैं, इसका आप क्या करेंगे? सवाल छोड़ के जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।